हे गाइस, वेलकम टू एक्स्ट्रा ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ सभी कोडक टीवी पर अपडेट आए हुए हैं, तो दोस्तों आपको भी अपडेट कर लेना चाहिए। गाइस, अपडेट करने के बाद आप टीवी की जो परफॉर्मेंस होगी काफ़ी बेटर हो जाती है, एंड इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आए हुए हैं। एंड इसके अलावा बूटिंग टाइम है दोस्तों, इसमें बूस्ट मिलता है आपको टीवी में देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ साथ कुछ एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूट्यूब म्यूज़िक एंड अदर्स कुछ ई बुक्स मैनुअल आपको देखने को मिलेंगे। सिस्टम अपडेट करने के लिए गाइज, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद डिवाइस प्रेफरेंस में जाना है, और उसके बाद अबाउट में जाने के बाद सिस्टम अपडेट आपको नज़र आने लगेगा। उसमें एक बार क्लिक करेंगे तो गाइज, इसमें आपका जो भी अपडेट अवेलेबल होगा वह आपको दिखने लगेगा। जैसे कि अभी अभी मेरा टीवी में 662 MB का जो है 662 MB का आपको अपडेट देखने को मिल रहा होगा। तो गाइज, ये अपडेट आपको तुरंत ही कर लेना चाहिए। गाइस, टीवी को अपडेट करने के बाद आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा, एंड आप अच्छी क्लैरिटी में देख पाएंगे। बूटिंग टाइम भी काफ़ी स्पीड हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा। गाइस, डाउनलोडिंग स्पीड आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट है, उसी प्रकार से आपका डाउनलोडिंग होगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है एंड मैक्सिमम डाउनलोडिंग हो चुका है। तो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ नए अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूले। तो गाइस, डाउनलोडिंग काफ़ी स्पीड से हो चुका है एंड थोड़ा MB बचा हुआ है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। एंड वीडियो के साथ बने रहिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गाइस, तो गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग हो चुका है, ये वेरीफाई अभी हो रहा है, एंड इसके बाद आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाता है एंड आपको टीवी को रीस्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, एंड और उसके बाद आपका टीवी जो है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होने लगेगा। तो गाइज, हम रीस्टार्ट कर लेते हैं, चलिए। तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट प्रोसेसिंग दी अपडेट पैकेजिंग। तो गाइस, जो भी पैकेज अपना अपडेट होने वाला है वो अपडेट हो रहा है, एंड इसके बाद रिस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस। तो देखेंगे, टीवी अपने आप जो है रिस्टार्ट होने लगता है, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बस आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास UPS है तो आप उसे लगा सकते हैं। गाइस, इसमें वार्निंग आता है कि अगर आपका जो है सिस्टम अपडेट के दौरान अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाता है या बिजली चले जाता है तो गाइस आपके सॉफ्टवेयर पर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइस, इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि आपका जब भी इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल हो एंड तभी आप अपडेट कीजिएगा। इसके अलावा आप अपडेट ना करें, बाद में करें, थोड़े वक्त के बाद करें। पर अगर आपकी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप थोड़े दिन के बाद कीजिएगा, जब स्टेबल हो दोस्तों। तो गाइज, हमारा टीवी रिबूट हो रहा है, एंड आप देख सकते हैं एंड्रॉयड का लोगो जो है दोस्तों आने लगा है, एंड ये फटाफट से रिबूट होने लगेगा। जैसे ही हम अभी अपडेट किए हैं तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों। इसके बाद मैंने सेकंड टाइम देखा तो गाइज, अब काफ़ी फास्ट रिबूट हो रहा है, एंड परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी बेटर हो गई है। जो भी है गाइज, आप देख सकते हैं, बैक टू बैक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। गाइस, आप देख सकते हैं हमारा टीवी अभी ऑन हो चुका है पूरी तरीके से, एंड इसके बाद हम सेटिंग पर चलते हैं। गाइस, चलिए सेटिंग पर चलते हैं। यहाँ कोई भी अपडेट एंड्रॉयड वर्जन जो है चेंजेस हुए हैं या नहीं, ये चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए, सबसे पहले तो हमें डिवाइस प्रेफरेंस में जाना होगा, एंड हमें चेक कर लेते हैं कोई भी अपडेट आया ये है या नहीं। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा जो है एंड्रॉयड वर्ज़न 9 है अभी तक, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आए हैं। तो गाइस, मुझे लगा था अपडेट होने के बाद शायद हमारा वर्ज़न भी चेंज हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ ही अपडेट आए थे,
एंड इसके अलावा हम फिर से चेक करते हैं तो हमारा जो है दोस्तों अपडेट अप टू डेट है। इसके अलावा कोई भी नेक्स्ट अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत ही मतलब इन्फॉर्म कर दूंगा, इसके बारे में एक नया वीडियो बनाऊंगा कोई भी अगर नया अपडेट आता है तो गाइस अभी अपना अप टू डेट है, इसके अलावा कोई भी हमारा अपडेट अवेलेबल नहीं है। तो गाइस आगे चलते हैं, इसमें कोई भी कुछ खास फीचर्स चेंज नहीं हुए। इसके अलावा देख सकते हैं आप कोई भी मतलब डिफरेंट टाइप के जो है फीचर्स नहीं आए हुए हैं, जो भी है नॉर्मल चेंजेस थे गाइस, बट फिर भी ये काफ़ी हाई MB पर अपडेट हुआ है तो मुझे लगा कुछ खास फीचर आए हुए होंगे, तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारा अभी जो है एंड्रॉयड वर्जन 9 पर चल रहा है, पाई का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो गाइस इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा प्री इंस्टॉल जो है दोस्तों हुआ है अपने TV पर, उसको मैं दिखाना चाहूँगा। तो गाइस हम चलते हैं हमारे प्री इंस्टॉल जो है एप्लीकेशन उस पर चलते हैं, तो बैक बटन पर क्लिक करते हैं एंड इसके बाद नीचे आएंगे यूट्यूब और इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं, इसमें आप बैक लास्ट की ओर चले जाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा सेलेक्ट एप्लीकेशन पे ई मैनुअल एंड यूट्यूब म्यूज़िक आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर नेटफ्लिक्स भी है दोस्तों, इसमें आपको जो भी आपको ऐड करना है तो इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो आपके जो है चैनल लिस्ट पर यानी कि आ जाएगा। तो गाइस पेज वॉल पर ये शो होने लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।